उदाहरण 11, बहुपद 2y³ ऋण 3y² धन 4 में क्या घटाएं कि अंतर y³ ऋण 1 प्राप्त हो। माना बहुपद py बराबर 2y³ ऋण 3y² धन 4 में से बहुपद qy घटाने पर अंतर बहुपद ry बराबर y³ ऋण 1 प्राप्त होगा। अर्थात py ऋण qy बराबर बहुपद r y या बहुपद qy बराबर बहुपद py ऋण बहुपद r y। अब हम qy बराबर बहुपद py बराबर 2y³ ऋण 3y² धन 4 को पहले कोष्टक में लिखेंगे, ऋण बहुपद ry जो है उसे हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, y³ ऋण 1 कोष्टक बंद। बराबर कोष्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होगा 2y³ ऋण 3y² धन 4, ऋण को जब हम बहुपद से गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह जो है वह बदल जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा ऋण y³ धन 1। अब सजाती पद को हम एक साथ लिखेंगे समान घात वाले पदों को, तो हमें प्राप्त होगा 2y³ ऋण y³ ऋण 3y² धन 4 धन 1 बराबर। अब यहां पे हम इनके गुणांकों को कोष्टक में लिखेंगे तो 2 ऋण 1 y³ उभयनिष्ठ होगा, ऋण 3y² अकेला है, 2 3 ऋण 3y² धन 4 धन 1 को हम कोष्टक में लेंगे बराबर 2 ऋण 1 1 बराबर y³ ऋण 3y² धन 5। इस तरह से यह उदाहरण का हल होगा। करके देखें, पहला 5t² ऋण 3t धन 4 में से क्या घटाएं कि 2t³ ऋण 4 प्राप्त हो। दूसरा 6r² धन 4r ऋण 2 में क्या जोड़ें कि 15r² धन 4 प्राप्त हो। तीसरा ऐसे 5 और सवाल बनाएं और हल करें।